पल पल की खबर। गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही जिले के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दखल शुरू हो गई है। भोजन और पानी की तलाश में जानवर लोगों के विचरण वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे दोनों के बीच द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो रही है। कोयलांचल दीपका में इन दिनों एक तेंदुआ लोगों के बीच दहशत का पर्याय बना हुआ है। जंगल से भटक कर तेंदुआ दीपका के ग्राम बतारी में घुस आया है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। तेंदुए को खदेड़ने काफी प्रयास किया जा रहा है। इधर जंगली जानवर का उत्पात भी बढ़ता जा रहा है। ग्राम बतारी में तेंदुए ने बुजुर्ग पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। तेंदुआ ग्राम बतारी में कहां से आया है, इस संबंध में किसी को जानकारी नहीं है। तेंदुए को पकड़ने वन विभाग के साथ ही पुलिस की टीम भी डटी हुई है। लोगों को जानवरों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। फिलहाल जब तक तेंदुए को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है। और अभी लोग यहीं पे कचरा जब फेंकने गए थे बाड़ी तरफ, तो बोले कि बाबूजी आओ ना, क्या जानवर है, बड़ा जानवर, क्या जानवर है पता नहीं, इसे कहते बोले। तो बाबूजी क्या जानवर है कह के छोटा सा डंडा लेकर ना देखने गए, तो कहाँ पर है, कैसा है, कैसा दिखता था, ऐसे करके बोल रहे थे। तो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, कोई चीता उतर ऐसा कुछ करके होगा, ऐसे करके भाभी बोल रहे थे। तो कहाँ पास देखे, तो बताया कि बाउंड्री के बगल में ही देखें, तो बाउंड्री में थोड़ा ऊपर चढ़ कर देखूँगा तो कुछ दूसरा दिखेगा। अब यहीं पे घास उस लगा है उसमें, तो ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।